पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने और मोदी की सरकार महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करने पर प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं का गठन कर इस मुद्दे को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कांके राजस्व ब्लॉक के प्रभारी एवं कांके जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष विजय ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गठन कर इस मामले को आम जनता तक लेकर जाएंगे। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। साथियों, आप सबको मालूम है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश भारत और वर्तमान स्थिति देश का आप लोग समझ रहे हैं कि जाति धर्म के नाम से लड़ा के राजनीतिक जो परोसी जा रही महंगाई बेरोजगारी एक किनारे करके लोग उन मुद्दों को संसद के अंदर और संसद के बाहर भी इन विषयों पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो हमेशा रोकना चाहती है। आप राहुल गांधी के बारे में आप अच्छे से बारे में आप सभी को वाकिफ हैं। देशी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला ये बन चुका है और हमको जो प्रदेश से जो दिशा निर्देश दिया गया था कि ब्लॉक स्तर में भी जाके सुनने को बताइए कि देश के हालात ये हैं और देश के जो ज्वलंत समस्या है उनको वहाँ संसद के अंदर भी नहीं रखा जा रहा है। जैसा कि एक चुनावी सभा में राहुल जी ने जो संबोधन किया था कि देश के जो पैसे हैं वो बाहर ले लेके भग रहे हैं, अधिकतर जो मोदी समेत के जो लोग हैं ऐसे लोगों पे जो टिप्पणी की गई थी उसकी को एक चुनावी रूप से द्वेषपूर्ण ढंग से गुजरात के जो कोर्ट में डालकर जिस ढंग से तुरंत इसका रिजल्ट आना, फिर संसद सदस्यता खत्म कर देना, फिर 24 घंटा के अंदर उनके सरकारी आवास से खाली कराना, ये सारे हालात देश के लोग देख रहे हैं और एक लोगों में जन भावनाओं के प्रति आक्रोश भाजपा ये सामने आता है।